कलाकृति डांस एकेडमी सीआईडी की ओर से अवार्ड समारोह में कई मान्यवरों को सम्मानित किया गया। करुणा शंकर ओझा, राम नौलखा, गुरु सिद्धि देसाई जैसे मान्यवर इस मौके पर उपस्थित थे। डॉक्टर गुरु रेखा श्री देसाई के इस कार्यक्रम में डांस भी नजर आया, वह भी राम धुन और नारायण धुन पर। कलाकृति एकेडमी में सिर्फ नृत्य ही नहीं बल्कि सभ्यता भी सिखाया जाता है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है वसंत पंचमी, वसंत पंचमी भी हमको सेलिब्रेट करना था, पर साथ साथ में अवार्ड फंक्शन भी मैंने रखा था, इसलिए क्योंकि सोसाइटी में इतने सारे सोशल वर्क जो करते हैं उनको भी हमें सम्मान करना चाहिए। जिनका काम ज़्यादातर लोग देखते हैं, उसका फ़ायदा लेते हैं, पर उनको क्रेडिट देना भूल जाते हैं। तो हमारी ये प्रयास था, हमारा ये कलाकृति का, कि पिछले 2 साल से हम अवार्ड्स दे रहे हैं उन लोगों को जिनकी सेवाएं हैं सोशल वर्क में या फिर मेडिकल वर्क में या फिर टीचिंग लाइन में, और उनका जो अनुभव ज़्यादा होता है और ऐसी सेवाएं देते हैं उनको हम सम्मान करते हैं। किस तरह का अवार्ड था रेखा जी? ये कलाकृति अवार्ड्स नाम हमने दिया है, गौरव पुरस्कार था ये, ताकि हम उनको सम्मानित करें, उनका गौरव बढ़ाएं और उनसे हम सीख लें, और साथ में सब जो हमारे कलाकृति के परिवार हैं सब लोग सीख लें कि भी हम खुद के लिए बहुत कुछ करते हैं पर सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। तो यहाँ कई बड़े लोग आए थे, जो ओझा जी आए थे, हाँ जी, उनके बारे में कैसे उनको एकत्रित किया आपने? ओझा जी के साथ बहुत सालों से मेरा परिचय रहा है, उनके जैसे उन्होंने भी बताया कि हमारा घर जैसा ही रिश्ता है, ऐसे ही जो जितने भी दूसरे भी लोग थे उनको मैंने सालों से देखा है कि ये सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि इनको हम बुलाएं और सम्मान करें। और सभी लोग जितने ही उनके कार्य में ऊपर हैं उतने ही डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए इन लोगों के साथ काम करना, इनके साथ जुड़ना, इनसे हमें एडवाइस लेना, आगे बढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सवाल यहाँ से हटके है, जो दुर्घटना हुई हमारे देश में, हाँ, उसके बारे में आपकी क्या कहना है? बहुत ही दुखद था वो समाचार जो आया वो, उसके लिए हमने कल हमारी एकेडमी में उनके लिए मौन रखा था, हमने उनके लिए हमने प्रेयर्स किया था, पर उसके जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम शांति के वाइब्रेशन यहाँ से दे सकते हैं और कुछ हम एक्स्ट्रा कर नहीं सकते यहाँ से बैठ के, पर जो भी हमारे जो लीडर्स हैं जो उसका जवाब देंगे उसका हम साथ देंगे। 5 लोग थे, 4 जेंट्स थे और एक महिला थी जिन्होंने काफ़ी उनके कार्यक्षेत्र में बहुत वो कामयाब हुए हैं, और इतने सालों से जो उन्होंने किया है वो लेगेसी को आगे बढ़ाने का जो धैर्य मैंने लिया है उसमें बस ऐसे ही सोसाइटी और हमारे बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बस वही हमारा मोटिव है हमारी एकेडमी का। तो यस, आगे तो ज़रूर चलती रहेगी। क्या सहयोग करती हो आप? उनको ये सहयोग करती हूँ कि आगे चल, अभी जितना उन्होंने किया है अब ऐसा है कि वो रिटायरमेंट पे हैं, तो हम अपने हमारी एकेडमी के बच्चों को ट्रेनिंग देना लगता नहीं है। रिटायरमेंट ऐसा नहीं होता है। हाँ तो चलो बढ़िया, वो तो मैं सहयोग इस तरीके से देती हूँ कि जो बच्चों को ट्रेनिंग है, टीचर्स रेडी करती हूँ, उनको स्कोप देती हूँ कि क्लासिकल डांस में भी स्कोप है, उनका करियर बन सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमें बस सीए और इंजीनियर्स ही बनना है, आप एक क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन के कि आप बन के भी आप आपकी लाइफ लीड कर सकते हो। आपको लगता है कि आज के दौर में जरूरत है ये कहने की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जरूरत है यार? लगता है आज के दौर में 2019 चल रहा है, इस वक्त अभी भी कहना पड़ेगा हमको बेटी बचाओ? अर्बन एरियाज़ में शायद ना कहना पड़े क्योंकि यहाँ की सारी सोसाइटी में वो अवेयरनेस है, बट कहीं हमारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ये नॉलेज नहीं है, वहाँ पे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ज़्यादा प्रचलित हमें करना चाहिए।
द्वारा जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं वो बहुत बड़ा ज़रूरी बात होती है बच्चों में। सिर्फ नृत्य सिखाना ये हमारे ध्येय नहीं है, साथ में हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे कल्चर हैं, हम बहुत सारे उसमें स्टोरीज बताते हैं, संस्कृत सिखाते हैं बच्चों को, तो इससे क्या होता है कि वो वापस अपने कल्चर के साथ जुड़ते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि बच्चे स्त्रियाँ लड़कियाँ आगे ना बढ़ें, वो आगे बढ़ें पर साथ में वैल्यूज़ को लेते हुए आगे बढ़ें। यही चीज़ अपने एजुकेशन में भी बहुत स्कूल्स में ये एकेडमिक्स में मिस आउट करते हैं, इसलिए आजकल का स्टडीज सबको बर्डन लगता है। अगर यही चीज़ को वैल्यूज़ और फिर कल्चर के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो बर्डन भी कम होगा और अपनी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छा लगा, सम्मानित किया गया वो तो, और गौरव पुरस्कार दिया तो वो बहुत अच्छा लगा। और नारी सशक्ति के लिए जो उन्होंने किया है और विमेन एम्पावरमेंट के लिए और बेटी के लिए वो काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरा हर हमेशा उनके साथ में मेरा सपोर्ट रहेगा और हम लोग आगे बहुत ही अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, सारे समाज के लिए और बेटी के लिए और एम्पावरमेंट के लिए हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। और ये 22 तारीख को हम लोगों ने हमारे ट्रस्ट की ओर से भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है, शिव शक्ति का प्रोग्राम रखा है जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं और बहुत आगे। आज जो आपने प्रोग्राम देखा है ये तो एक सिर्फ प्रमो है, आर्ट और कल्चर का एक प्रमो है। आप हमारे सैकड़ों प्रोग्राम जो मुंबई और देश और विदेश में होते हैं उनकी कुछ झलकियाँ अगर आप व्यक्तिगत रूप से नहीं देखें तो हमारे वेबसाइट पर जाके देखें। आपको इनका 35 साल का कंट्रीब्यूशन डॉक्टर गुरु रेखा श्री का और हमारी टीम का आपको नज़र आएगा। भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, भरतनाट्यम डांस मुद्राओं में कितनी सारी प्रतिभाएं हमारे सामने आती है, कितनी सारे एक्ट हमारे सामने आते हैं। आज के इस प्रोग्राम को मैं जितनी रेटिंग जितनी खूबी से दूं उतनी कम है, क्योंकि ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, आगे के प्रोग्राम और आप देखते जाइए। शिव तांडव देखिए आप, महिषासुर मर्दिनी देखिए आप, महुलो गाजे माधव नाचे देखिए आप, शिव वंदना देखिए आप, दशावतार देखिए आप, और इनका नागिन कालिया नाग का जो नृत्य है जो नेहरू सेंटर में दिया गया था दुनिया आज भी हमको याद करती है। रेखा श्री ने लगातार अपने 25 सालों की परफॉर्मेंस के बाद अपनी लीगेसी में गुरु सिद्धि श्री को तैयार किया है। भाई और बहनों, आरंगेट्रम 7 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है किसी भरतनाट्यम और किसी भी व्यवस्था में, वो प्रोग्राम आप हमारा आके देखिए, लाइव प्रोग्राम होता है और वहाँ पे जो थंडरिंग बच्चों में एक स्किल जो डेवलप होती है वो अभिन्न है, विचित्र है और अविस्मरणीय है, अनोखी है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बिकॉज सी बिलीव्स इन परफेक्शन एंड सी डिलीवर्स परफेक्शन। आई सैल्यूट टू हर आर्ट एंड कल्चर। मैं इनके साथ करीब 15 साल 20 साल से जुड़ा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन जब से जुड़ा हूँ मैं भी कलाकार बन गया और इनके सानिध्य में रह के मैं भी देश और विदेश में भारत का सम्मान करने के लायक बन गया। साथ में मेरी बेटी का आरंगेट्रम खत्म हो गया, अभी वो एडवांस कर रही है। इनके साथ रह के ऐसा लगता है कि हमने हमारे माँ बाप के साथ हम रह रहे, हमारे बच्चे सेफ है और आगे बढ़ने के लिए बहुत चांसेस है और हमारे बच्चे बहुत हैप्पी रहते हैं इनके साथ में। मेरी भी लड़की यहाँ पर मतलब आरंगेट्रम भी हो चुका है और एडवांस कोर्स अभी स्टार्ट है और टीचर की पदवी भी मिली है उसे, और सब इनके मतलब इनके ही आशीर्वाद से ही हो रहा है कि और इनके अंडर में जो भी आते हैं, बच्चे हों उनके पेरेंट्स हों, सब कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और मतलब उन्हें ऐसे लगता ही नहीं कि हमें एक परिवार जैसा ही बना हुआ है हमें, और हमें भी बहुत मतलब कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है, हम प्राउड के साथ कहते हैं कि हम कलाकृति से जुड़े हुए हैं। कलाकृति नाम है ना, ऐसा है कि उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, लेकिन कलाकृति एक भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाने का काम करना है कर रहा है और जिस लेवल पे वो लेके जा रहे हैं भारतीय संस्कृति के, इसके लिए रेखा बहन को रियली प्राउड फील होता है उनके ऊपर कि वो जिस तरह से सब काम कर रहे, बच्चों को तैयार कर रहे, आज की बेटियों को अपने क्षेत्र में आगे लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी उनकी साथ हमेशा से ऐसा रहा है कि वो हमें डांस तो सिखाते हैं, बाद में हमें अलग दूसरी वैल्यूज़ भी सिखाते हैं एंड हमें हमारी मम्मी की तरह ही रहते हैं वो भी।
ये जो हमारा कलाकृति का जो परिवार है वो अब ऐसा फैमिली बन चुका है कि मतलब एक जन भी अगर नहीं होता है यहाँ पे तो ऐसा कमी सी महसूस होती है। तो आज जो भी सामने खड़े हैं हम लोग सब मैम की वजह से खड़े हैं। हम लोग कई सालों से मैम के साथ हैं, मैम के अंडर हम गाइडेंस लेते जा रहे हैं। हम डांस में तो मैम की गाइडेंस लेते ही है, पर लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस में मैम हम लोग का साथ देते हैं, बाकी जो भी चीज़ हो, जो भी एस्पेक्ट हो लाइफ के, हर जगह मैम हमारे साथ रहते हैं। डांट तो मतलब मैंने तो स्टार्टिंग में भी बहुत खाई है, और जब जब मैंने डांट खाई है तब तक मुझे ये पता चला है कि मैम ने जो भी बोला है वो अगर आपने नहीं किया है तो मतलब आप रॉन्ग ही है। तो मैम जो भी बोलते हैं गुस्से में या प्यार से, अगर आप अच्छे से सुन ले और अपने लाइफ में करें तो आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैम जैसे तो नहीं बन सकते बट हाँ उनके थोड़ा नीचे बन सकते हैं। अगर डांट पड़ती है तो हमेशा याद रखना कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो हमेशा उसको पॉजिटिवली लेना।